किसान भाई नमस्कार, मैं मोहम्मद शमीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई खेती केंद्र। तो किसान भाई, आज की वीडियो में बताएंगे कि मूली की कितनी प्रजातियां होती हैं और बारिश के मौसम में यानी अगस्त महीने में कौन सी मूली बोनी चाहिए। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन दिख रही है सब्सक्राइब की, उसे दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और किसान भाइयों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। तो किसान भाई, चलो चलते हैं वीडियो की ओर। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं मूली सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। मूली खास करके पाचन क्रिया में सहायक है। मूली की मांग मार्केट में हमेशा बनी रहती है। ठंडी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में मूली बिकती है और उगाई जाती है। लेकिन कुछ किसान भाइयों को नहीं पता होता है कि कौन से महीने में कौन सी मूली बोएं और उसका उत्पाद ज़्यादा लें। किसान भाई, अगस्त महीने में मूली कैसे उगाई जाती है ये वीडियो के आखिरी में बताऊंगा और वीडियो के साथ आप बने रहिए। पहले आपको बताता हूँ मूली की प्रजातियाँ। किसान भाई, मूली की वैसे तो बहुत प्रजातियाँ हैं लेकिन आपको कुछ प्रजातियाँ मैं बताऊँगा जो बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। नंबर एक, जापनीज वाइट। ये मूली नवंबर और दिसंबर महीने में बोई जाती है। इसकी पैदावार 160 क्विंटल प्रति एकड़, 160 कुंटल 160 कुंटल प्रति एकड़ है और ये 60 से 65 दिन में हो जाती है। जी, जापनीज वाइट, इसका नाम है जापनीज वाइट। नंबर दो, पूसा चेतकी। ये अप्रैल से लेके अगस्त तक उगाई जाती है। अगस्त महीने में आप इसको बो सकते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले बताया हूँ अगस्त महीने में मूली कैसे उगाई जाती है, ये मैं आपको आगे भी बताऊँगा। और इसकी पैदावार है 105 क्विंटल प्रति एकड़। तीसरी है पूसा हिमानी, ये जनवरी से फरवरी तक बोई जाती है और इसकी पैदावार है 160 क्विंटल प्रति एकड़। ये भी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। ये ठंडी के मौसम में जो बोते हैं लेट, जैसे आलू वगैरह उग जाती है तब भी लोग बोते हैं, उस टाइम इसको बोया जाता है। और है पंजाब पसंद, ये मार्च के दूसरे पखवाड़े में बोया जाता है। इसकी पैदावार है 215 क्विंटल प्रति एकड़। अगर बेमौसम इसे बोएंगे तो 140 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास में पैदा होती है। और एक प्रजात है पंजाब सफ़ेद, ये 236 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा होती है। कुछ और प्रजातियां हैं किसान भाई, उसको भी आप जान लीजिए। पूसा देसी जो है ये 50 से 55 दिन में तैयार होती है। और पूसा रेशमी जो है ये 50 से 60 दिन में तैयार होती है। अर्का निशांत जो है 50 से 55 दिन में तैयार होती है। ये गुलाबी जड़ वाली मूली है। तो किसान भाई, ये कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जो आप अपने हिसाब से बो सकते हैं। लेकिन अगस्त महीने में बारिश के मौसम में अगर आप बो रहे हैं, अगर आप मूली की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको पूसा चेतकी ही बोना चाहिए। ये अप्रैल से अगस्त तक बोया जाता है। गर्मी से लेकर बारिश तक पूसा चेतकी बोई जाती है। आप इसकी खेती कर सकते हैं अगर आप बारिश में मूली उगाना चाह रहे हैं। तो किसान भाई, बारिश में मूली कैसे उगाई जाती है अगर इसकी विधि आपको जानना है तो लिंक आई बटन में है, आई बटन को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अगस्त महीने में मूली कैसे उगाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दो और किसान भाइयों में शेयर कर दो। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दिख रही है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।
अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई खेती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।